चुपते जल्दी गर्मी है क्योंकि चुपते जल्दी गर्मी का मौसम आया। ऊबर कैसे चल रही है आज? ऊबर बहुत बेकार चल रही साढ़े ब्रिस्बेन। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, हेलो टू माय चैनल, दिस इज योर तुषार ब्रजो। तो भाई आज की इस वीडियो में मैं करने वाला हूँ 10 घंटे ऊबर ईट्स। आप लोगों को बताऊंगा कि एक दिन में अगर आप लोग 10 घंटे करते हो तो कितने पैसे बन जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम आप लोग 12 घंटे कर सकते हो एक दिन में। उसके बाद में एक ना फीचर होता है 8 घंटे सोने का। ऊबर बोलता है कि अगर तुम 12 घंटे ऊबर कर रहे हो तो 8 घंटे रेस्ट टाइम देता है। क्योंकि पहले क्या होता था, लोग पूरा पूरा दिन कर लेते थे भाई, है ना, जिसके अंदर कैपेबिलिटी है। मेरे में तो नहीं है भाई इतनी। तो ऊबर ने नया फीचर निकाला था, मतलब काफी टाइम पहले निकाला था, सोजा लसन करके फीचर है। ठीक है, तो 8 घंटे ऊबर बोलता है सो जाया करो, 12 घंटे का ड्राइविंग टाइम होता है, उसके बाद 8 घंटे की स्लीप, फिर से आप स्टार्ट कर सकते हो। मैं करूंगा आज 10 घंटे क्योंकि अभी बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, तो अभी बज रहे हैं 10:43 हो रहे हैं। अपना 11 बजे तक शुरू करते हैं हम लोग कुछ खा पी के, उसके बाद 11 से सीधा 9 करेंगे, हैवी सा ब्रेकफास्ट करेंगे जिससे हमको पूरे दिन भूख ना लगे। शाम को हम लोग कुछ पीने वगैरह के लिए ले लेंगे, चार टाइम वगैरह, जिससे सही रहे। रात को डिनर करेंगे, ठीक है। और मेरे को ना आपको एक बहुत ज्यादा शिट चीज दिखानी है, ठीक है। ये दिस इज द वर्स्ट थिंग आई हैव एवर परचेज्ड फॉर माय कैमरा। ये मेरा दूसरा ट्राइपॉड है, ठीक है, वो भी 5K। तो जो भी है ना, कई ट्राइपॉड आते हैं 3K, 1K, 5K। 5K होता है और फॉर लाइक हैवी कैमरास। अपना कैमरा भी थोड़ा बहुत हैवी है, ठीक है, हैवी ड्राइवर है अपना कैमरा भी। तो ये वाला जो ट्राइपॉड है ये मैं दो बार ले चुका हूँ, एंड दिस कॉस्ट लाइक अराउंड $150। अगर आप JBIF से लेते तो $200 का है, बाहर Amazon से लेते तो $140 के करीब आते। तो मैं ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ। ये भाई टूट चुका है, ठीक है, इसकी ये देखो, ये इसकी डंडी कितनी लूज है, ये देखो इसकी डंडी कितनी लूज है। ये इतनी लूज होनी नहीं चाहिए, और ये ऊपर से भी टूट चुका है। और जब भी मैं इसको कैमरे पे लगाऊं ये लूज होता रहता है बहुत जल्दी जल्दी। तो भाई मैंने दो बार ही ले लिया है, अब मेरे को ये ट्राइपॉड नहीं लेना है। तो इफ यू गाइज नो कि कौन सा अच्छा ट्राइपॉड है तो मेरे को खरीदने, क्योंकि कल मेरी शाम की फ्लाइट है, हम लोग कहीं घूमने जा रहे हैं। मैं नहीं चाहता मेरी ट्रिप खराब हो इस ट्राइपॉड की वैसे, क्योंकि भाई कहीं कहीं स्टेबल शॉट्स लेने पड़ते हैं ना, कैमरा ही वैसे मेरा बहुत ज्यादा हिलता है। वी नीड अ गुड ट्राइपॉड, सो इफ यू हैव एनी रिकमेंडेशन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। चलते हैं फिर कुछ खा के, ऊबर करते हैं खिंच के पूरे दिन। पता नहीं होगी भी नहीं पूरे दिन, बारिश होगी ना तो मेरे और लसन लग जाएंगे। भाई फाइनली इट्स टाइम टू स्टार्ट उबर, ठीक है। अभी 11:15 हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट हो गया और ये ऑनलाइन आ गए। अब हम देखते हैं कि अभी 11:12 हो गए हैं, ये देखो कोने में देख लो, 11:12 हो गए हैं, और देखते हैं पूरे दिन में कितने पैसे बनेंगे। 10 घंटे करनी है तो 9 बजे तक करनी पड़ेगी, 9:15 तक, और 9 से 10 ना क्वाइट हो जाता है। बीच में भी काफी ज्यादा टाइम होता है जहाँ क्वाइट होता है, इतने अच्छे ऑर्डर्स नहीं आते, बट आपको पूरे दिन का एक्सपीरियंस दिखाएंगे हम, क्योंकि फिर आपको पता लग जाएगा कि अगर मैं हफ्ते में 4 दिन करूँ 10 घंटे या 5 दिन करूँ 10 घंटे छुट्टियों के टाइम, क्योंकि इन हॉलीडेज यू हैव अनलिमिटेड वर्किंग राइट्स। तो छुट्टियों के टाइम में 5 दिन भी अगर कर लेते हो 8, 9, 10 घंटे तो सही आवर्स हो जाते हैं, 40-50 आवर्स हो जाते हैं, दैट्स इनफ। वीकेंड भाई याशी करो, या वीकेंड पे काम कर लो, वीकेंड मतलब आपकी मर्जी, जो करना करो। पहला ऑर्डर आया, ये हम नहीं करते, बहुत ज्यादा दूर है ये देखो, पार मेरे को नदी पार ले जा रहा है, मैं नहीं जा रहा इतनी दूर। भाई देखो क्या घर है, एड्रेस भी कितना सोना है देखो। भाई बहुत ज़्यादा सड़ी गर्मी हो रही है बाहर, आज 30 degrees हो रखा है और मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा काम करने का, हाथ हो रखे मैंने। गुंजीत की फेवरेट जगह, आपको ना मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, मेरी गाड़ी की डिक्की में क्या रखा है, ये देखो पानी का पिटारा, हम पानी भी बेचते हैं ऊबर करते हुए। तो तुषार भाई इतनी बोतलें क्यों रखी हुई है गाड़ी के अंदर? तो भाई जब ऊबर करते हैं ना तो प्यास लगती है, अब घर से कितना ही पानी ले आए, 1 liter की बोतल लेंगे, 600 ml की लेंगे, आफ्टरनून में काम करना होता है बहुत ज्यादा प्यास लगती है, तो इसलिए ये पूरा ले लो, 24 बोतलें आती है $10 की, पीते रहो अपना धीरे धीरे करके। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ऑस्ट्रेलिया में पानी भी तुम खरीद के पीते हो, अरे भाई ये एक्सेप्शनल टाइम्स में खरीदते हैं हम लोग, जरूरत कभी भी पड़ जाती है गाड़ी में, है ना, कभी कभी नई बोतल लेनी होती है, हम आलसी भी तो बहुत है, कौन बोतल भरे ठंडा पानी ये वो, फिर काफी कुछ चीज होती है, मैंने आसान कर रखा है काम, टेंशन मत लो। ऑर्गेजमिक क्लाउड, भाई देखो कितनी सेक्सी जगह है, यहाँ पे ड्रोन उड़ाने में कितना मजा आएगा। भाई देखो कितना सुंदर एरिया है, तो यहाँ पे तो इस जगह पे एक घर यूजुअली $4-5 million का होता ही है, बाकी मेरे को प्रॉपर रेट नहीं पता क्योंकि हमने लेना नहीं, हमारे पास पैसे भी नहीं है। तो भाई मेरे अभी 3 घंटे में बन गए हैं $85.56, और ना अभी एक रेस्टोरेंट से ऑर्डर आया है, उसका नाम है उप्स मॉडर्न थाई रेस्टोरेंट, क्या सेक्सी नाम है, ओ क्या बढ़िया, मैंने भी जब रेस्टोरेंट खोला मैंने भी ऐसे ही नाम चूज करना है, ओ ये मॉडर्न इंडियन रेस्टोरेंट। ओ देखो भाई काके दा फ्राइड चिकन, तो
भाई ये जो आप गाड़ी देख रहे हो ठीक है व्हाइट कलर की जो आपने अभी देखी ये है होल्डन। रुको बेल्ट पहनो मैं। दिस इज वन ऑफ द जंबो जेट्स हियर इन ऑस्ट्रेलिया। होल्डन जो कंपनी है वो ऑस्ट्रेलिया की थी, वो अब बंद हो चुकी है, बट दिस कार इज लाइक बीस्ट। आप इसके प्राइजेस वगैरह जाके चेक करो, बहुत महंगी है। और इस गाड़ी का एग्जॉस्ट। और होल्डन कंपनी ऑस्ट्रेलिया में बंद क्यों हुई, उसका वन ऑफ द मेन रीजंस है कि यहाँ पे लेबर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जो कार्स वगैरह में जैसे आप रिपेयर कराने भी जाओ तो आप लोगों ने देखा होगा मेरी वीडियोस में कि $150 लग जाते हैं, $100 लग जाते हैं आधे घंटे के। तो आप ये सोचो जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में लोग काम कर रहे होंगे उनकी कॉस्ट कितनी ज्यादा होगी, तो उसके करके गाड़ी का रेट कम से कम, मेरे को मतलब एक्जैक्टली नहीं पता इफ आई एम नॉट रॉन्ग, $1-1.5 लाख से कम नहीं है। सेकंड हैंड आपको अच्छी मिल जाएगी बट ब्रांड न्यू तो एक, अरे भाई क्या ठुक। तो जो लास्ट होल्डन जो कंपनी ने बनाई थी कंपनी बंद होने से पहले, वो करीबन करीबन बिकी थी $1 मिलियन की। गाड़ी को बहुत ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस रिस्पेक्ट करते हैं और कंपनी की वैल्यू बहुत ज्यादा है इस कंट्री में, बट वो कंपनी अब है ही नहीं, तो फायदा किया जट से चढ़ाई ओण था। यहाँ पे देखो ए स्टार को क्या बोलते हैं, ऑल्टो। तो भाई अभी बज रहे हैं 3 ठीक है यार, मैं घर आ गया था 2:45 पे, फिर मैंने थोड़ा बहुत फ्रेश व्रेश हुआ और मैं बताता हूँ मेरे अभी कितने बन गए ठीक है। मेरे बन चुके हैं 90 दिख रहा नहीं, अरे कहाँ गया पलर। हाँ मेरे बन चुके $99 इन लाइक 3.5 आवर्स, मतलब 3 घंटे 40 मिनट, क्योंकि 11:15 शुरू करी थी ना, तो मतलब हिसाब लगा लो उसी हिसाब से बन चुके हैं। अब लेंगे एक घंटे का ब्रेक, क्योंकि 3 से 4 ऊबर बहुत ज्यादा क्वाइट हो जाता है और स्कूल जोन स्टार्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा ना ट्रैफिक हो जाता है और स्कूल जोन में आपको पता ही है 40 से ऊपर नहीं चलानी। अगर आप लोगों को पुलिस वाले ने देख लिया आपको बहुत बड़ा फाइन पड़ता है और बहुत सारे डिमेरिट चले जाते हैं ठीक है, करीबन 4-5 डिमेरिट होते हैं। अभी घर पे थोड़ा बहुत 1 घंटा रेस्ट करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, फिर से शुरू करेंगे 4 बजे से लेकर 10 बजे तक, 6 घंटे तो करीबन 9:30-10 घंटे करने हैं ना, इसलिए थोड़ा बहुत 1 घंटे के दिन में ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा चुपती जल्दी गर्मी है, क्योंकि चुपती जल्दी गर्मी का मौसम आया, ठंडी घमोरियां लाइन नहीं भूल गया उबली लाइन। तो वेट कर, तो रेस्ट करते हैं 1 घंटा फिर चलते हैं काम पे। तो ये वाला स्टेप हो तो गया व्लॉग में, पर लाइट अभी बंद करनी है, तो नींद तो वैसे मेरे को आ नहीं रही है। एडिटिंग कर सकते हैं हम लोग, 1 घंटा एडिटिंग कर लूंगा फिर रात को टाइम बचेगा, क्योंकि मेरा आजकल ब्लॉग का शेड्यूल क्या हो गया, मैं 10 बजे एडिटिंग करने बैठता हूँ, 11:15 तक एडिटिंग हो जाती है, 12 बजे से पहले मैं ब्लॉग अपलोड करता हूँ ऑस्ट्रेलिया टाइम। अभी अगर मैं एडिटिंग कर लूंगा तो मेरा रात का टाइम बच जाएगा, एडिटिंग करते हैं, सोना छोड़ो या सो ही जाता हूँ कोई नहीं। मैंने ना फाइल्स वगैरह ट्रांसफर कर लिए, अब हम चलते हैं बाहर फिर से उबर करने के लिए, एडिटिंग आगे कर लेंगे, मेरा मन सा नहीं हो रहा, थोड़ा सो गया था मैं ठीक है, और ना भूख लग रही है बहुत तेज। तो मेरा ना यूजुअली खाना दिन का बाहर से ही होता है क्योंकि बाहर में उबर कर रहा होता हूँ, फिर कभी कभी घर आ जाता हूँ, कभी कभी नहीं आता बाहर से, फिर कुछ सोच रहा हूँ मैं खाने की, मोमोज वगैरह खाने का दिल कर रहा है। और 3:46 हो गए हैं ऑलरेडी, समझ नहीं आ रहा क्या करूं क्योंकि 10 घंटे उबर करनी है, फिर मेरे आधा 1 घंटा, कोई नहीं खा लेता बाहर, कोई 1-2 घंटा कम भी चलेगा है ना। Hi, I just want to place a pick up order. Yeah, can I please get a chicken steam momos? तो भाई भूख लग रही थी बड़ी तेज, मैं सोचा था थोड़ा सा हैवी सा ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, मस्त अपना ओट्स वगैरह ले लिया था मैंने, अब भूख लग रही है क्या करे, पापी पेट का सवाल है, बनाऊंगा फिर उसमें भी 1-2 घंटा लगे, कोई टेंशन नहीं, जट मोमोस खाएंगे आज। अभी 15 मिनट बोला है उसने, 15 मिनट बाद लेने आना, तो मैं सो रहा हूँ अभी। और गाड़ी ना हद से ज्यादा उबल रही है भाई, इतनी ज्यादा गर्मी, पहले मैं ना बहुत ज्यादा बारिश की कंप्लेंट करता था, अब मैं पूरे व्लॉग्स में गर्मी ही करूंगा जब तक समझ चलेगी। डुई सीख गई। तो भाई मोमोज शोमोज हो गया, हम करते हैं उबर शुरू फिर से अपनी। तो उबर में ना स्टार्ट आता है, अभी हट गया नहीं तो मैं आपको दिखा देता, उबर का ना स्टार्ट आता है कि किस किस टाइम बिजी होता है, अभी दिखा रहा है कि बिजी नहीं है, बट फिर भी मेरे को पता है थोड़ा बहुत तो बिजी होगा, थोड़े बहुत ना ही आने से ऑर्डर अच्छे ही है कि थोड़े बहुत आ जाए, और पेट भर गया बिल्कुल यहाँ तक भाई देख लो, इसलिए मैं इस टाइम उबर नहीं करता, कितना ट्रैफिक है, पूरी रोड आगे तक भरी हुई है एंड तक। ये देखो भाई यहाँ पे डेट के लिए बना रखा है, मस्त वहाँ बैठो चाय वाय पियो छत के ऊपर बैठ के, छबरे के ऊपर। ऊबर कैसी चल रही है आज? ऊबर बहुत बेकार चल रही साढ़े ब्रिस्बेन, सीन ऐसा है कि वीकेंड्स पे थोड़ी अच्छी चलती है और बाकी वीकडेज में कब फेयर टू ब्रिस्बेन फेयर दी, उतने पैसे नहीं मिलते हमारे, तो $5-5 के ऑर्डर आते हैं। और भाई का नाम देखो नेहा मैम से सेव हो रखा है मेरे फोन में, नेहा मैम और नवजोत जज। तो सीन क्या हुआ था, जब मैंने नया फोन लिया था ना तो मेरी कॉल ना मर्ज हो गई थी इधर उधर, तो नवजोत नेहा मैम में चला गया और नवजोत मतलब लिखा ऐसे ही आता है, बट मैं नेहा मैम को ही कॉल करता हूँ तो भाई को लगता है सारे मेहनती लौंडे हैं। तो ये भाई ब्रिस्बेन में रहता है, जाके चेक करो एनएस व्लॉग्स। आज मैं ना एक जगह डिलीवरी करने गया था, तो बीबी का ऑर्डर था थोड़ा बड़ा था, तो जब मैं लेके गया बेचारी
बाहर खड़ी थी, कह रही यू आर लाइफ सेवर। मैं कह ला थैंक यू, कहने लगाएगा फिर कर दे जायदा तब्दी आती मेरे नाम जो लाइफ सेवर आ जाता। तो भाई एनएचए ब्लॉग्स को जाके चेक करो, हम सारे लड़के उबर ही करते हैं, सारे प्रेफर हम उबर ईट से करते हैं, सबसे बेटर होती है। और मैंने एक चीज कह रहा था कि यहाँ पे जैसे वूलवर्ड्स और कोल्स होते हैं ना, आप लोगों ने देखे हैं जहाँ पे ग्रोसरीज वगैरह मिलती है, तो कभी कभी ना वहाँ से भी उबर के ऑर्डर आते हैं। उनके ऑर्डर में क्या होगा, ग्रोसरी होगी भाई, किसी बंदे को ग्रोसरी मंगानी है अपने घर पे, किसी को मन नहीं है बाहर जाने के, तो वो ग्रोसरी मंगा लेते हैं। और भाई नॉर्मली मैंने 6 लीटर दूध तक डिलीवर किया, बट आज मेरे को डिलीवरी आई 60 kg, सिर्फ 60 kg लिखा था उसके ऊपर, कभी कभी लिखा होता 30 kg, कभी कभी 50 kg, मैं स्क्रीनशॉट लेना भूल गया। हम है 69 kg इसके, ठीक है, मतलब पहले मेरा वेट 69 था, थोड़ा बढ़ गया होगा, 75-80 हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। हम 60 किलो का ऑर्डर कैसे डिलीवर करें, और ये सोचो अगर कस्टमर का घर हो थर्ड फ्लोर पे और वहां सिर्फ सीढ़ियां ही हो, तो 60 kg कैसे डिलीवर करोगे, कितने चक्कर लगाओगे, हम लोग ही खुद 70-80 किलो के, आप कैसे ऑर्डर उठवा रहे हो भाई हमसे, नहीं हो पाएगा। तो भाई गाड़ी गाड़ी भी कह रही है पेट्रोल भरवा दे, गाड़ी कह रही है सबको खा, तूने खाना पीना खिला दिया, ओए ऑडियो आरएस3 सबको खाना पीना खिला दिया, खुद भी खा पी लिया मोमोस, मेरे को भी कुछ पिला दे, अब इसको भी पिलाना पड़ेगा, मतलब खर्चे ही होते रहते हैं भाई। देखो भाई कितने में हुई है फुल टंकी, $90, $2 $0.95 का है भाई, हद से ज्यादा महंगा पेट्रोल। तो भाई मैं फाइनली घर आ गया था, एंड 7 घंटे 15 मिनट में मेरे बने $204, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर लो, अपनी मैथ लगा लो कितनी एवरेज होगी, $90 का मैंने पेट्रोल भरवाया, ठीक है, पेट्रोल हद से ज्यादा महंगा है, यूजुअली मेरा टैंक फुल हो जाता है, मेरी गाड़ी का टैंक फुल हो जाता है 60-65 में, बट पेट्रोल बहुत ज्यादा महंगा चल रहा है, तो ये 2-3 दिन चलेगा, ठीक है, अगर हम लोग सेम 8-8 hours ईच डे करेंगे, तो अगर हम पेट्रोल हटाएं तो $25 का पेट्रोल हटा दो, अभी इस टाइम तो महंगा हो रखा है, कोई टेंशन नहीं है, हम लोग नॉर्मल लेके चलेंगे, $25 का दिन का पेट्रोल हटा दो तो 25 कितने बन गए फिर, $179 बन गए ये, ठीक है, इतने आसपास ही बन गए, तो इतने बन जाते हैं $180-200 अगर आप 7-8 घंटे उबर करते हो, अगर आप 12 घंटे करोगे 250-300 ही बन जाएंगे, बहुत ज्यादा बिजी एरिया में करोगे बहुत ज्यादा बन जाएंगे। बाकी यार थर्सडे था, उबर इतना ज्यादा बिजी नहीं था हमारे एरिया में, ठीक है, और मैं अपने बेड पे पड़ा हूँ, ये एडिटिंग वगैरह चल रही थी, ठीक है, एडिटिंग खत्म हुई है, कल हम लोग की ट्रिप शुरू होगी, हम लोग की ट्रिप पे जा रहे हैं, तो कल से काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग व्लॉग्स होने वाले हैं आने वाले, और चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए, एंड आई एम रियली सॉरी मेरा 10 hour उबर चैलेंज फेल हो गया, ठीक है, 3 घंटे में नहीं करी क्योंकि आज भाई हद से ज्यादा सड़ी गर्मी थी, चुभने वाली धूप, आपको ऑस्ट्रेलिया की ओजोन लेयर बहुत ज्यादा थिन है, तो उसकी वजह से ना गर्मी बहुत ज्यादा तेज चुभती है, इसलिए मेरा सिर फट गया था, नहीं तो मैं कर लेता है ना, वैसे तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं कर लेता करीबन 10 घंटे 7 घंटे हुए, कोई टेंशन नहीं है, चैलेंज फेल हो गया, डजंट मैटर, बट छुट्टी के टाइम आप लोग कमा सकते हो इतने $250-250, ठीक है, पेट्रोल वगैरह हटा के थोड़ा बहुत खाना वगैरह जो आप बाहर से खाओगे $11 के अंदर मोमोज खाए वो भी हटा दो, है ना, ऐसे करके थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर लो। तो अगर आप लोगों की वीडियो नहीं चलेगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव फ्रॉम सिडनी, बॉय फ्रॉम इंडिया, बहुत ज्यादा थक गया, बहुत ज्यादा नींद आ रही, 12 बज चुके हैं और हालत ऐसी खराब हो जाती है ना गर्मी में, भाई पूछ लो जिस भी उबर वाले से, जो भी आपके जान पहचान वाला हो, जो भी यहाँ पर डिलीवरीज करते हैं, कितनी सड़ी हालत खराब होती है, इंडिया में भी कहीं भी आप ऐसा काम करते हो और जॉब्स, तो थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, बट कोई बात नहीं, लव फ्रॉम सिडनी, बॉय फ्रॉम इंडिया, प्लीज आंखें देख रहे हो भाई मेरी कैसी, और सूजी पड़ी है, नींद आ रही बहुत अच्छी।